साहब, हाँ जी, ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए तो साक्षात्कार का जो पार्ट वो मर्ज था ब्रह्मा में या शिवा ने निकल? दोनों एक ही बात तो है। भक्ति मार्ग में जो भी साक्षात्कार होते हैं, कहा जाता है कि भगवान ही साक्षात्कार कराते हैं। वास्तव में वो साक्षात्कार करने की ये नूंद भी कहां होती है, शूटिंग कहां होती है? संगम युग में ही शूटिंग होती है। जो यहां आत्मा में शूट हो जाता है वो समय की सुई आने पर ब्रॉड ड्रामा में इमर्ज होता रहता है। और भक्ति मार्ग में त्रिदेव को तीन पुरुष रूप में दिखाया है। देवियों को, त्रिदेव को, त्रिमूर्ति में पुरुषों को दिखाया है। बाबा, हाँ, भक्ति मार्ग में त्रिदेव को पुरुष रूप में दिखाया है तीन, ब्रह्मा विष्णु शंकर को। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं को पुरुष रूप में दिखाया। हाँ, पुरुष रूप में दिखाया है। ज्ञान मार्ग में दो स्त्री रूप और एक पुरुष रूप दिखाया है। ज्ञान मार्ग में दो पुरुष रूप, एक पुरुष रूप और दो स्त्री रूप दिखाया। नहीं, जो त्रिमूर्ति का चित्र है उस चित्र में तो जो दिखाया है वो तीनों ही पुरुष दिखाए हैं। वास्तव में ध्यान से देखें तो जो आदिदेव ब्रह्मा है वो ही ब्रह्मा सु विष्णु बनता है, और विष्णु बनने से पहले अर्धनारीश्वर है, शंकर का रूप है। जो एक ब्रह्मा का पार्ट वो ही सभी ब्रह्मा वो ही पार्ट बजाते हैं, ब्रह्मा सु विष्णु। हां, दिखाया गया है कि सहन शक्ति का पार्ट जो स्पेशली दादा लेखराज की आत्मा ने बजाया वो पार्ट और कोई आत्मा नहीं बजा सकती, परंतु वो पुरुष चोला था, वही आत्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करती है तो फिर जगदम्बा का पार्ट बजाती है। जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के संस्कार जब मिलते हैं तो महालक्ष्मी कहा जाता है, और राम और कृष्ण वाली आत्माओं के संस्कार मिलकर एक होते हैं तो महानारायण कहा जाता है। महानारायण और महालक्ष्मी दोनों का कॉम्बिनेशन ही विष्णु है। भक्ति मार्ग में विष्णु को पुरुष रूप दिखाया है। वो संपन्न स्टेज की यादगार है, नंबरवार रूप की यादगार नहीं है। तो 100% संपन्न तो एक ही है ना, वो है प्रजापिता ब्रह्मा। और बाबा गजानन बाबा कौन से देवता का रूप है? गजानन बाबा, आनन कहते हैं मुख को। ऐसा कौन सा देवता है जिसका मुख गज माने हाथी की तरह है? महाराष्ट्र में तो बहुत प्रसिद्ध है,
तो पूछ रहे की दरकार है ही नहीं, कौन है, है? कौन? हाँ गणेश। पांच देवी का नाम लिए तो पाप भस्म होता है, पांच देवी का नाम लिए तो पाप पूरा भस्म होता है। कुंती कुंती तारा तारा मंदोदरी मंदोर परिमा ताहिला भक्ति मानिता। क्या क्या पांच का नाम लिए? पांच देव का नाम लेने से पाप, पांच देवता, पांच देवी देवता, और कौन कौन बताए? हाँ कुंती तारा मंदोदरी तो कुंती और तारा, कुंती तो महाभारत में प्रसिद्ध है और तारा कौन है? हैं? हरिश्चंद्र तारामती, वो भी ठीक है क्योंकि हरिश्चंद्र सतयुग का पहला राजा हरिश्चंद्र माना गया, सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो वो तो नारायण ही है। और ये हरिश्चंद्र की कथा सतयुग की कथा है, यह संगम युग की कथा है। संगम युग में 100% सत्यवादी का पार्ट किसने बजाया? रामबली आत्मा ने। राम नाम सत्य है, अंत में यही कहते हैं, तो रामबली आत्मा जो है वो संपूर्ण सत्य की स्टेज वाली। इसके बाद हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम आता है तारामती। मुसलमानों के झंडे में भी चंद्रमा के ऊपर एक सितारा दिखाते हैं, वो सितारा कौन है? वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। तो कैसे है? जगदम्बा की तो पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। ब्रह्मा के तो मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, पूजा नहीं होती, तो ब्रह्मा हमारी जगदम्बा कैसे है? शरीर छोड़ने के बाद क्या प्रवेश करता है? जिसमें प्रवेश करता है वो तारा है, सितारा, जो मुसलमानों में बहुत मान्यता प्राप्त है। क्यों? क्योंकि जगदम्बा है तो सारे जगत की अम्बा है, यह सिर्फ भारतवासियों की अम्बा है, सारे जगत की अम्बा है, तो सारे जगत की अम्बा, उस सारे जगत में अगर भारतवासियों के एक तरफ रख दिया जाए तो पक्के भारतवासी हैं, पक्के अपने धर्म के हैं, तो जो रह जाते हैं और धर्म वाले, उनमें मुख्य कौन है? हैं? इस्लामी, मुसलमान। तो जगदम्बा उनको विशेष आश्रय देती है, पालना देती है। भारतवर्ष में भी लंबे समय तक कौन सी कौम ने राज्य किया? मुसलमानों ने राज्य किया। तो वो मुसलमान तारा को बहुत मानते हैं, शास्त्रों में दिखाया है,
कि चंद्रमा ने तारा के साथ दुष्कर्म किया तो बुध ग्रह का जन्म हुआ। चंद्रमा की गुरु पत्नी थी कौन? तारा। ब्राह्मणों की दुनिया में जो दादा लेखराज ब्रह्मा है उनका गुरु कौन है? है? यज्ञ के आदि में तो वो ही गुरु था ना जिसने साक्षात्कारों का अर्थ बताया। और उसकी पत्नी कौन हुई? है? जगदम्बा। वो ही जगदम्बा दोबारा जन्म लेती है, उसी जगदम्बा को वो चंद्रमा आके फिर कंट्रोल कर लेता है। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो उसके मस्तक पर क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। तो वो तारा कोई दूसरा सितारा नहीं है, वो ही जगदम्बा है। तो एक तो हो गई कुंती। कुंती कौन है? पांडवों की मां। वो पांडवों की मां पांडवों के साथ रहती है या कौरवों के साथ लंबे समय तक रहती है? कौरवों के साथ रहती है। अभी भी कहां रह रही है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कहां रह रही है? कौरवों के साथ रह रही है, वहीं पालना ले रही है। तो कुंती माने वैष्णवी देवी लक्ष्मी। तो कुंती का नाम बताया, तारा का नाम बताया, पहला नाम क्या बताया? और अहिल्या। अहिल्या, अहिल्या देवी, ये तो किसी भक्त ने बनाई ये बात, क्योंकि जो अहिल्या है वो तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम है। क्या? गौ इंद्रियों को कहा जाता है, और इंद्रियों के साथ जिसने श्रेष्ठतम सुख भोगा है, ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का सुख भोगा है, उसका नाम है गौतम। तो बताओ दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में कौन सा धर्म ऐसा है जो इंद्रियों का सबसे जास्ती सुख भोगता है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में भी कोई मुखिया होगा? इस्लाम धर्म का भी कोई बापों का बाप होगा या नहीं होगा? कौन है? रब अलिया तुम। अरे वो तो सारी दुनिया का बाप है। यहां सिर्फ किस धर्म की बात हो रही है? इस्लाम धर्म की बात हो रही है। है? है? इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है उस नारायण आधार मूर्त का जो बाप होता है वो बीज रूप आत्मा, जो इस्लाम धर्म का बीज है। तो उसकी पत्नी का नाम हुआ अहिल्या, क्योंकि एक पत्नी व्रतधारी एक पति व्रतधारी तो होते नहीं। इस्लाम धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे पुरुष भी नहीं होते, और मर्यादा पुरुषोत्तमनी पुरुष स्त्रियां भी नहीं होती। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तमनी नहीं है तो कोई न कोई
दूसरे से कनेक्शन जुटेगा या नहीं जुटेगा? जिस दिन दूसरों से कनेक्शन जुटता है वो सांप के मिसल है, अहि माने सांप। ज्ञान मार्ग में चलते चलते जो सांप को ले आई तो उनको अभिशाप मिल जाता है, पत्थर बुद्धि बन जा। कैसी पत्थर बुद्धि बनती है? ऐसी पत्थर बुद्धि बनती है कि न भगवान को खुद पहचानती है न दूसरों को पहचानने देती है। ये अभिशाप लग गया। अगर वो माया का पार्ट न हो तो हम बच्चों की परीक्षा पूरी होगी है? परीक्षा पूरी नहीं हो सकती। और जब परीक्षा ही नहीं होगी तो हम पढ़ाई पढ़ेंगे? पढ़ाई भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए वो पार्ट भी जरूरी है। ड्रामा में नूद है, हम करते तो हैं भगवान को याद, लेकिन भगवान को याद करते करते कौन याद आ जाती है? माया याद आ जाती है। तो वो अहिल्या माया का पार्ट हुआ। भगवान को क्या कहा जाता है? मायापति भगवान भी कहा जाता है। तो ये भी एक रूप है, चाहते नहीं है याद करना, फिर भी याद आता है। और हाँ, माया है रावण की पत्नी, मंद उदर वाली है, मंद बुद्धि है। उदर माने पेट, बुद्ध रूपी पेट कैसा है? मंद है। तो मंद उदर वाली है, मंदोदरी है। तो रावण के पांच सिर हुए माया रावण। फिर पांच ही सिर हैं कि कुछ और भी हैं? हैं? और पांच सिर भी हैं, उनको कहते हैं मंदोदरी के मुख। क्या? स्त्री मुख। नहीं तो रावण के दस सिर पुरुष मुख दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में पुरुष मुख दिखाते हैं दसों सिर, या पांच स्त्री के पांच पुरुष के दिखाते हैं? हैं? पांच पुरुष के नहीं दिखाते, दसों सिर पुरुष के दिखाते भक्ति मार्ग में। तो भक्ति मार्ग में यादगार कहां की है? संगम युग की। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला? रावण के पांच मुख पुरुष के और पांच मुख स्त्री के। तो ये तो बात कट गई। अब बाबा झूठा है या भक्ति मार्ग के शास्त्र झूठे? शास्त्र झूठे नहीं, बाबा भी झूठा नहीं, क्योंकि बाबा ने रावण के जिन पांच मुखों को स्त्री रूप दिया है वो वास्तव में प्रैक्टिकल में पांच स्त्री मुख ही हैं, लेकिन बाबा ने उन्हें रुद्रमाला में डाला हुआ है। क्या? काहे में डाला हुआ है? रुद्रमाला में डाला हुआ है। रुद्रमाला पुरुषों की माला है, पुरुष स्वभाव संस्कार की माला है, या स्त्री स्वभाव संस्कार की माला है? पुरुष स्वभाव संस्कार की माला है। इसलिए वो पांच पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, आकाश देवता, ये पांचों देवताओं का सम्मिलित रूप पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनका संघात रूप है प्रकृति। ये प्रकृति माया की सहयोगिनी बन जाती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है कुमार का दादी ने जैसे ही शरीर छोड़ा उसके बाद अव्यक्तवाणी में बोला माया ने प्रकृति से
हाथ मिलाई लिया, तो माया की कई गुनी ताकत हो जाती है। कहावत भी है, एक और मिलकर एक क्या हो जाते हैं, ग्यारह हो जाते हैं। ग्यारह गुनी ताकत हो गई माया। ज्ञान सागर बाप के ज्ञानी बच्चों को नहीं हरा पाती, खुद ही तंग हो जाती है। तंग होके शरीर भी छूट जाता है तो क्या करती है माया, प्रकृति से हाथ मिला लेती है, फिर ग्यारह गुनी ताकत हो जाती है। बाद में फिर फाइनल पेपर आता है, तो भगवान का एक नाम प्रकृतिपति भी है, मायापति, प्रकृतिपति और लक्ष्मीपति, तो कितने नाम हो गए हैं? अभी अभी तो गिनाए, पहला नाम है अभी अभी जो, तो भक्ति मार्ग के क्या नाम बताए हैं? वो चारों के नाम फिर से रिपीट करा दो। कुंती, कुंती माने लक्ष्मी, तारामती माने जगदम्बा, और अहिल्या माने माया, मंदोदरी माने प्रकृति, और द्रौपदी, वो तो एक ही हो गया। ध्रुव पद है जिसका, वो ही द्रौपदी है। भक्ति मार्ग में जानते तो है नहीं, तुम सब द्रौपदियां हो, तो नंबरवारी ही ध्रुवपदियां होंगी, ये एक जैसी होंगी, सब माताओं की, स्त्री जाति की। आज कलयुग की दुनिया में बेइज्जती करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो जोर जबरदस्ती करना ये दुर्योधन दुशासनों का काम है। और घर घर में द्रौपदियां हैं, घर घर में दुर्योधन दुशासन है। और इतना लंबा लंबा प्रश्न, और बाबा बाबा कहते हैं कि मैं आत्माभिमान से बात करता हूँ, देह अभिमानी संदर्भ से बात नहीं करता हूँ। तो अभी तो कोई आत्माभिमानी नहीं बने, नहीं बने माने दो मिनट, चार मिनट, एक सेकंड, दस सेकंड कोई याद ही नहीं करते। कभी याद करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जब याद करते हैं तो आत्माभिमानी, नहीं करते हैं तो देह अभिमानी। तो जो आत्माभिमानी है उनसे बात करता हूं, देह अभिमानियों से बात नहीं करता हूं। है जब संपूर्ण आत्माभिमानी बन जाएंगे तो शिव बाबा को पढ़ाने की दरकार रहेगी है? फिर तो पढ़ाने की दरकार ही नहीं रहेगी। एक का प्रश्न है, एक शिव बाबा दूसरा में कोई, ये हमारी तपस्या है, है? लेकिन जब हम नारायण को याद करेंगे तो हमारी तपस्या कैसी सफल होंगी? लेकिन अभी जो नारायण वाली आत्मा है उसमें शिव बाबा है कि नहीं, तो याद हो गई ना है? एक ही है या दो हैं? वो एक ही है। और हाँ, और हाँ, त्रेता के अंत में आदि विनाश में प्रशांत महासागर का कुछ हिस्सा टूट करके पृथ्वी से अलग हो जाता है। कुछ हिस्सा नहीं, सारा ही हिस्सा, सारा हिस्सा,
हाँ, और वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू करता है, उसे चंद्रमा कहा जाता है। तो बाबा, सूर्य और चंद्रमा से इन बातों का कनेक्शन कैसा है? सूर्य और चंद्रमा से इन बातों का कनेक्शन कैसा? जो टूट के अलग हो गया वो बच्चा हो गया पृथ्वी का, वो चंद्रमा जो है वो ज्ञान सागर का कहो, ज्ञान सूर्य का कहो, बच्चा है। और वो चंद्रमा की उत्पत्ति किससे होती है? हैं? अरे चंद्रमा का बाप कौन? चंद्रमा का बाप ज्ञान सागर। और ये बात प्रशांत महासागर तो पानी का महासागर है। हाँ हाँ, पानी का महासागर है। तो जब कोई चीज भारी चीज है और उसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ है या पृथ्वी भी है, तो अगर घूमेगी और उसमें से कोई हिस्सा अलग हो जाएगा तो पानी पृथ्वी के पास जाकर के चिपक जाएगा या साथ में जाएगा? पृथ्वी साथ चिपक गया। चंद्रमा में बड़े बड़े गड्ढे तो हैं लेकिन उनमें पानी पानी है ही नहीं। पानी मनुष्य का जीवन है लेकिन जो जीवन है वो वहाँ है ही नहीं। और प्रशांत महासागर का हिस्सा चंद्रमा बनता है, है। तो पानी का कुछ अंश नहीं रहता है, माने वो वेरीफाई करा रहा था क्या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अभी सीता का भगवान खुद को समझ के बैठा है ना? खुद को? हाँ। तो वो बात से कुछ हिसाब लगता है क्या? वो क्यों नहीं हिसाब लगता है? वेरीफाई करना। वेरीफाई क्या करना है इसमें? चंद्रमा में जल फट जाता है ना, है? चंद्रमा के अंदर जब अलग हो जाता है पृथ्वी, हाँ, हाँ, तो उसमें का जल हट जाता है, जल पृथ्वी में चिपका रह गया। तो उसका बेहद में ऐसा ये हो सकता है ना कि ज्ञान चंद्रमा अभी खुद को गीता का भगवान समझ करके बैठा है। हाँ, इस बात से उसका मेल खाता है क्या? क्यों नहीं खाता है? कलयुग के अंत में आकर के जितने भी बच्चे हैं वो माँ के ऊपर कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते हैं? अकेले कृष्ण बच्चे की बात थोड़ा ही है, वो पहला पत्ता है। बड़े जो काम करेंगे, बड़ों को देख, छोटे भी वही काम करेंगे। और हो गया, पूछा है 108 मणकों में से 24 को छोड़कर सारे ही विदेशी विदर्भी हैं, तो फिर कौन सा लक्ष्य रखना चाहिए? अरे सीधी सी बात, जो बाबा ने लक्ष्य दिया है वो ही लक्ष्य रखना चाहिए, कोई दूसरा रखना चाहिए? बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। अगर नर चोला है तो लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि हमको विश्व की बात सही लेनी है, सारे विश्व के ऊपर हमारी नजर रहे। हम किसी एक धर्म की तरफ झुके हुए न हो, जैसे सूर्य सारी दुनिया को रोशनी देता है, ऐसे हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। पुरुष जो है पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, सारे परिवार की जिम्मेवारी किसकी होती है? पुरुष की होती है। माता की जिम्मेवारी तो जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक माता की जिम्मेवारी है पालना करने की, बड़े हो जाते हैं तो माता की जिम्मेवारी थोड़ी है, पिता तो जिम्मेवार है। बड़े बच्चे हो जाएंगे तो भी उनको वर्षा देने की जिम्मा है, तो जो 24 मणके हैं
वो 24 का हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य 24 में जाने का नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य तो 24 में से भी जो पहले पहले हैं, 12 में से पहले, 12 चंद्रवंशी, 12 सूर्यवंशी। तो अगर स्त्री चोला है तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें लक्ष्मी जैसा बनना है। पुरुष चोला है तो बाप समान बनना है। 24 का लक्ष्य हमें क्यों रखना है? और विधर्मी बनने का तो लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। मण के राजा बनने वाले हैं और ब्रह्मा की 1000 भुजाएं मददगार हैं, तो 1000 भुजाओं का पार्ट ड्रामा में क्या होगा? वो 1000 भुजाएं वहां भी मददगार बनेंगी या नहीं बनेंगी? यहां मददगार हैं तो वहां भी मददगार बनेंगी, वहां कोई राजा थोड़े ही बन जाएंगे। कोई तन से मदद करेंगे लेकिन आंशिक रूप में, कोई धन से मदद करेंगे लेकिन आंशिक रूप में, कोई ऐसे भी होंगे। कभी हो सकता है कि धन से पूरी ही मदद कर दें, संबंधियों से, संपर्कियों से, परिवारजनों से पूरी मदद न कर पाए लेकिन धन सारा ही उड़ेल दे। मिसाल भी है, राणा प्रताप एन मौके पर जब वो बिल्कुल असहाय होने लगे, कोई सहयोगी नहीं बचे, तो किसने मदद की है? हाँ, साहूकार ने पूरी मदद कर दी, सारा ही धन उड़ेल दिया। तो यहां भी कोई सहयोगी बने होंगे ना शूटिंग पीरियड में, जैसे यहां बनते हैं वैसे वहां भी बनते हैं। बाबा ने कहा है, सबका पोता मिल आदि में सबके सामने खोला जाता था तो अंत में भी होगा। जैसे आदि में छोटे रूप में हुआ तो अंत में बड़े रूप में होगा। तो बाबा, अंत में पोता मेल सुनने के लिए बाप तो गुप्त हो जावेंगे, तो सबका पोता मेल कौन सुनेगा? अच्छा, आदि में बाप था क्या सुनने के लिए? हैं? आदि में भी बाप नहीं था, सब ने सुना, सभा के बीच में सुनाया जाता था, सब सुनते थे। अंत में भी ऐसे होगा, जब दिल साफ होने लगेंगे, पश्चाताप के आंसू बहने लगेंगे, तो धड़ाधड़ अपना पोता मिल सबके सामने खोलने में कोई लज्जा नहीं आएगी। बाप के सामने तो अभी की बात है, अभी खोलेंगे तो दुनिया वालों के सामने नहीं खुलेगा, और जिन्होंने अभी नहीं खोला उनका दुनिया वालों के सामने खुल जाएगा। बाप को सुनने की क्या दरकार?
तरफ मुरली में बोला है मैं तुम द्रौपदियों को नग्न होने से बचाता हूं, दूसरी तरफ कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब नग्न होती हो ना। तो नग्न होने का एक हद का अर्थ भी है और एक बेहद का भी अर्थ है। ऐसे होता नहीं है कि स्थूल रूप में भरी सभा में कोई किसी को नग्न करे, ये तो पोता मेल की बात है। कन्याएं माताएं अबला होती हैं, उनका पोता मेल पुरुष सबके सामने उजागर करते हैं, गुस्से में आते हैं तो बाप उनके पोता मेल को उजागर नहीं होने देते। मिसाल के तौर पर अट्ठानवे 99 में जब एडवांस पार्टी के ऊपर हमला हुआ, सरेंडर कन्याओं से दो दो महीने तक आकर के पुलिस ने पूछताछ की घर में घुस के, किसी एक कन्या के बाप ने बरगलावे में आकर के बाबा के ऊपर केस कर दिया। तो जज ने और एसएसपी ने आर्डर ही दे दिया कि कन्या की मेडिकल जांच कराई जाए। लिखित में आर्डर नहीं दिया सरकारी तौर से, लेकिन पर्ची लिख करके डॉक्टरों को दे दी। अब ये तो सारी दुनिया के सामने नग्न करने की बात है ना। सरकारी तौर पर तो ये नियम है ही नहीं कि कोई किसी कन्या माता को जबरदस्ती उसका मेडिकल चेकिंग कराए, लेकिन कुर्सी के फोर्स में आकर के उन्होंने आर्डर ऐसा दिल दे दिया। कन्या हॉस्पिटल में गई, एक डॉक्टर आया हिम्मत करके, कन्या ने आंखें दिखा दी, वो भाग गया। फिर तीन डॉक्टर भेजे गए जबरदस्ती की उसके साथ, वो जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से आवाज की जिससे सारे हॉस्पिटल में आवाज फैल गई जैसे कोई आत्मा ने प्रवेश कर लिया हो, और तीनों डॉक्टर भाग गए। मना ही कर दिया, हम नहीं करेंगे ऐसा। अगर कन्या ने हमारे ऊपर केस कर दिया तब क्या होगा, आप हमें लिखित में ऑर्डर दो सरकारी तौर पर, थप्पा मार के बात खत्म हो गई। तो किसने बचाया है? शिव बाबा ने बचाया। इतिहास में अहिल्याबाई होलकर का अपने दाएं हाथ में शिवलिंग का फोटो है, यहां दिखाते होंगे, भक्ति मार्ग में अहिल्याबाई के हाथ में शिवलिंग का फोटो दिखाते होंगे। इसका बेहद का अर्थ क्या है? अरे हाथ माने क्या? बुद्ध रूपी हाथ। एक होता है बायां हाथ, एक होता है दायां हाथ। दायां हाथ क्या करता है? अच्छा काम करेगा, और दायां हाथ के मुकाबले बायां हाथ उतना अच्छा काम नहीं करता है। तो कचरे की सफाई का काम बायां हाथ का होता है। तो ये दिखाया है कि अहिल्याबाई होलकर के दाएं हाथ में शिवलिंग का चित्र है, माना वो अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है।
बुद्धि में शिव बाबा के लिए अच्छे अच्छे संकल्प आए, कभी कोई बुरा संकल्प ना आए तो अच्छी बात है। जैसे शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य की दाई आंख फूट गई, इसका क्या मतलब हुआ? कि वो अच्छाई देखते ही नहीं थे। क्या देखते थे? उन्हें देवताओं की भी बुराई ही बुराई देखने में आती थी। और धृतराष्ट्र की तो दोनों ही आंखें फूटी हुई थी, इसका क्या अर्थ हुआ? दोनों आंखें फूटी माना अच्छा भी नहीं देख पाते तो बुराई भी नहीं देख पाते। शास्त्रों में गायन है, महाराज कीड़ा अंधेरी रात में गांव से दूर जमुना के किनारे अद्भुत एकांत अकेला श्री कृष्ण और गोपियां गोपियों को दिखाते हैं। कामदेव सोचने लगा मेरी तो विजय हो जाएगी। नारद जी बोले, कामदेव तेरी हार हर जगह होती है, नहीं नारद जी बोले कामदेव तेरी हर जगह विजय होती है, लेकिन शंकर जी के पास और यहां महाराज क्रीड़ा में तेरी हार ही हार है। तो कामदेव को गुस्सा आ गया, वो क्रोध से यमुना के किनारे वृंदावन में आ गया, लेकिन उस निष्काम आत्मा परमात्मा के मिलन को जो बेहद का गेट था उसे छू भी नहीं पाया। इसका राज हमें समझाइए। राजयोग जिन्होंने समझ लिया तो महाराज का अर्थ समझना कठिन है क्या? राजयोग माना क्या है? जिसमें राज छुपा हुआ है मन को कंट्रोल करने का। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया तो मन को कंट्रोल करने से दूसरी इंद्रियां अपना कर्म विकर्म बना ही नहीं पाती, न कर्म बनता है न विकर्म बनता है, तो कामदेव की हार हो जाती है। और भागवत में जो महाराज क्रीड़ा दिखाई गई है कृष्ण की, वो कृष्ण और शंकर जी का कामदहन वो एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? है? अरे भगवान एक ही है या दो हैं? एक ही तो भगवान है। भक्ति मार्ग में उसे कृष्ण के रूप में दिखा दिया है। जो शैव संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने शंकर को भगवान के रूप में मान लिया है। बाकी बात तो एक ही है सारी मन को कंट्रोल करने की बात। जो जन्म जन्मांतर साहूकार बनेंगे वो सरेंडर वर्ग में ऐसे नहीं बनेंगे क्या? अरे जो सरेंडर हो गए उन्होंने तो पहले ही अपना सब कुछ तन मन धन समय संपर्क सब क्या कर दिया? स्वाहा कर दिया। कोई ने दुनिया को दिखावा करने के लिए स्वाहा कर दिया, बोलने के लिए स्वाहा कर दिया,
नॉन सरेंडर माताएं आएंगी, कन्याएं आएंगी, तो उनको सुनाएंगे तुम तो नॉन सरेंडर हो, तुमको ये अधिकार नहीं, हम तो सरेंडर हैं, हमने सारा जीवन बाबा के कार्य में दिया हुआ, तो अपना बड़प्पन दिखावेंगे। तो एक होते हैं दिखावा करने के लिए सरेंडर, लेकिन अंदर से न तन अर्पण करते हैं न मन अर्पण करते हैं, मन बाहर की दुनिया में भगाते रहते, न समय लगाते हैं ईश्वरीय सेवा में, पूरा मस्ती मारते रहते हैं, जर्मुई जगमुई करते रहेंगे, न संपर्क वालों को ईश्वर का संदेश देंगे। धन तो होता ही नहीं है कन्याओं के पास, धन की बात ही नहीं, तो साहूकार बनने की बात पैदा होती है। दो ही बातें पैदा होती हैं, अगर सरेंडर होकर के रहेंगे तो राज परिवार में ऊंचा पद पाएंगे, अगर सरेंडर होकर नहीं रहते हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या कागज पर सरेंडर हुए हैं, तो दास दासी बनेंगे। उनके दो ही अंजाम हैं, क्या? या तो 16,000 के जो राज परिवार है उसमें ऊंचे से ऊंचा पद ले सकते हैं, या तो अगर विपरीत चलन चलेंगे, श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे, तो दास दासी बनेंगे। हां, अगर छोड़ के चले गए बाहर की दुनिया में, तो हो सकता है कि जो साहूकार बनने वाले हैं उनके घर में जाके दास दासी बने, दूसरों की घुटने वाली गड़बड़दारी करनी पड़ेगी। भाई, बाकी साहूकार बनने की बात नहीं है, और किसी की कोई चीज लेकर के पहनी या यूज की तो उसकी याद जरूर आवेगी। बाबा ने कहा हल्की चीज है तो कोई बात नहीं, क्या कोई हल्की फुल्की चीज है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भारी चीज है, मान लो किसी ने अंगूठी दे दी या कोई सोने की चीज और दे दी, तो याद आएगी कि नहीं आएगी? ज्यादा कीमती चीज है तो ज्यादा याद आएगी, कोई हल्की चीज है तो खत्म हो जाएगी थोड़े दिन यूज करने के बाद, तो याद आना बंद हो जाएगी। शंकर जी का बड़ा बेटा कार्तिकेय, वो शादी नहीं करता, माताओं को, सभी कन्याओं माताओं को अपनी मां के समान समझता है, और जंगल में जब तपस्या को जाता है तो बोलता है मेरे दर्शन को जो भी स्त्री आएगी वो 7 जन्म तक विधवा हो जाएगी। माने जब बचपन है तो बचपन में तो 7 कृतिकाएं 6 कृतिकाएं जो हैं वो उसकी पालना करती हैं, वो 6 कृतिकाएं दूसरी नहीं है कोई, जो दूसरे दूसरे धर्म की आधार मूर्त हैं माताएं, वो उसकी माता के समान पालना करती है, उनको कृतिका कहा जाता है। कृतिकाओं का पुत्र
कार्तिकेय कहा गया है। पुत्र अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। जैसे विष्णु का बच्चा वैष्णव, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, ऐसे ही कृतिकाओं का बच्चा कार्तिकेय। तो छोटा बच्चा है तो वो माताओं को माता ही समझेगा, तो प्रैक्टिकल में पालना करती थी। फिर वो जवान होता है कि नहीं जवान होता है? जवान होता है। तो जवान होता है, जंगल में जाता है, तो सन्यासियों में कमजोरी होती है या नहीं होती है? कि परिपक्वता होती है प्योरिटी की, है? कमजोरी होती है। कमजोरी ना हो तो घर घर से छोड़ने की क्या दरकार है? साथ में रहकर के भी तो पवित्र रह सकते हैं। बाप क्या सिखाते हैं? साथ में रहो फिर पवित्र बनो। चीज है ही नहीं फिर उसका कह दिया हमने त्याग कर दिया, तो त्यागी थोड़े ही कहा जाता है। चीज है और होते हुए भी दूसरों के कल्याण के लिए उसका त्याग करे तो कहेंगे त्यागी। तो सामने अगर स्त्री आ जाती है सन्यासियों के, तो अपनी गलती तो नहीं बताते हैं, स्त्रियों को भड़का देते हैं। क्या अगर कन्या माताएं मेरे सामने आवेंगी तो 7 दिन तक, वो 7 जन्म तक विधवा बनेगी। बेचारी डर के मारे आए ही नहीं सामने। सामने नहीं आएंगी तो उनको परीक्षा ही नहीं होगी। शिव बाबा तो बेहद का संन्यास सिखाते हैं, खुद करके भी दिखाते हैं। शिव बाबा करण करावन हार भी है कि नहीं है? करता भी है और बच्चों से कराता भी है। छू छू करके भागने की बात नहीं है, रहना भी साथ में है और साथ में रह करके विजय भी कर्म इंद्रियों पर पानी है। तो कार्तिकेय का सन्यास धर्म हो गया। ये जितने भी विधर्मी हैं, विदेशी हैं, वो सब क्या है? प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? ये सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। उनका बीज है कार्तिकेय। कैसे कैसे प्रश्न ले आते हैं सूरत वाले, लड़ाई लड़ने लग पड़ेंगे बाबा से। सूरत का फटा हुआ कपड़ा प्रसिद्ध है और बनारस की साड़ी प्रसिद्ध है। इसका वेद का अर्थ क्या है? अरे कपड़ा काय कहा जाता है? शरीर रूपी वस्त्र है। साड़ियों में देश कीमती साड़ी कहां की मानी जाती है? हैं? बनारस की सबसे ज्यादा वैल्यूबल। क्यों है? अरे बनारस की यादगार कोई तपस्विनी मानी जाती है कि नहीं? है? कौन? योगिनी कहो, अनसुईया कहो, काशी नगरी कहो,
रुद्रमाला में तो सब तरह के बीज हैं न कि नहीं है, सब तरह के बीज हैं। तो उनमें जो फर्स्ट क्लास साड़ी है वो बनारसी साड़ी मानी जाती है। त्रिदेवियां हैं, त्रिदेवों के समान बहुत ऊंची मानी जाती है। फिर उनकी भी पवित्रता को मात देने वाली कौन दिखाई गई है? हाँ, अनुसुईया दिखाई गई, क्योंकि जो त्रिदेवियां हैं वो नंबरवार हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। कोई विजयमाला में से भी है, कोई रुद्रमाला से भी है, लेकिन रुद्रमाला में जो पहला ग्रुप है सूर्यवंशियों का, उसमें चंद्रवंश का मुख्य बीज कौन है? जगदम्बा है। लेकिन सूर्यवंशियों में दूसरा बीज है, चंद्रवंश का अंश मात्र होते हुए भी 83 जन्म तक किसके प्रभाव में रहता है? हैं? अष्ट देवताएं जो हैं, अष्ट देव, वो 83 जन्म तक एक के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो उनमें प्योरिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा प्योरिटी होगी। उनमें से अव्वल नंबर है दूसरा मण का। इसलिए बताया कि बनारसी साड़ी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, उसकी कीमत ज्यादा है। बनाने वाला कौन है? है? अरे काशी नगरी किसने बसाई? शिव बाबा ने बसाई, स्पेशली बसाई। दूसरी कोई नगरी बसाई ऐसा गाय नहीं है, काशी नगरी बसाई। दिल्ली का नाम इतना बाला है, दिल्ली के लिए नहीं आता है काशी, विश्वनाथ गंगे। तो जैसे दिति और आदिति, दिति कहा जाता है फटा हुआ, और आदिति माने साबुत। ये पवित्र और अपवित्रता की बात है। दिति से पैदा होते हैं दैत्य, द्वापर युग से व्यभिचार शुरू होता है, तो दैत्यों की दुनिया होती है। व्यभिचार से दैत्य पैदा होते हैं, दैत्य द्वैतवादी होते हैं, दो दो बातें करते हैं, उनमें सच्चाई नहीं होती है। आदिति से अद्वैत पैदा होते हैं, जो एक को मानते हैं, अद्वैत माने दो को न मानने वाले। चार छह आठ की तो बात ही नहीं, दो को भी नहीं माने। अपने लास्ट पुरुषार्थी जीवन में उनका ऐसी स्टेज बन जाती है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाबा अष्टदेव का जो दूसरा मंत्र है, तीसरा दूसरा दूसरा मंत्र दूसरा वही पर्दा के। हाँ जी, अब
दूसरा ही पर्वत है, दूसरा मन का ही पर्वत है। हाँ, पुरानी जो माताएं होती हैं उनमें ज्यादा प्योरिटी होती है कि जो नई नई माताएं आ रही हैं आज उनमें ज्यादा प्योरिटी होती है? पुरानी माताओं में ज्यादा प्योरिटी होती है। बाबा निमित्त बहन के बताए अनुसार सेवा करते हैं, परंतु उस सेवा से निमित्त बहन संतुष्ट नहीं हो रही है और सेवा करने वाले की गलत गलत रिपोर्ट बाबा के पास भेजती है। ऐसी बातों में बाबा क्या एक्शन लेते हैं? जो एक्शन लेंगे तो जिसकी रिपोर्ट की जाएगी उसके सामने एक्शन प्रत्यक्ष होगा कि नहीं है, तो पूछने की बात ही खत्म हो जाती। और ओम शांति।